का ये उतना बैठ जाओ, सबसे बनना चाहिए भाई, सिंपल सा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन इसके लिए, एक कंडीशन इससे, एक वैल्यू मिलेगा एक्स का, एक वैल्यू एक्स का इससे मिलेगा, दोनों को रियल नंबर पे ले जाओ, इंटरसेक्शन कर लो, जो कॉमन एरिया आएगा वही इसका डोमेन हो जाएगा, है ना। चलो तो एक कंडीशन किसके लिए, इसके लिए। तो वर्गमूल के अंदर वाला चीज क्या होता है, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब जीरो और जीरो से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस टू से इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, अरे है ना, इसको इक्वेशन क्या दे दो, फर्स्ट दे दो, हाँ है ना। या एक्स बराबर ही कर दो, दो से इन्फिनिटी। एक कंडीशन इसके लिए, एक कंडीशन इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स से लेकर इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन टू मान लो। अब दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन करते हैं, कितना क्रिटिकल पॉइंट है, माइनस दो और छ, तो माइनस दो और छ, देखो माइनस दो पर भी इक्वालिटी है, तो सॉलिड वाला डॉट पड़ेगा, और छ पर भी इक्वालिटी साइन है, तो छ पर भी डॉट पड़ेगा। ओके चलो, पहला इक्वेशन क्या बोला, माइनस दो से लेकर इन्फिनिटी, तो माइनस दो से लेकर इन्फिनिटी। ओके दूसरा क्या बोला, छ से लेकर इन्फिनिटी, तो छ से लेकर इन्फिनिटी, कितना एरिया कॉमन है, यहां से कॉमन है, कॉमन है ना, तो कहां से कॉमन है, छ से लेकर इन्फिनिटी, तो डोमेन क्या हो जाएगा, छ पर ओपन या क्लोज, क्लोज। इस क्वेश्चन, इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, लिख सकते थे या नहीं, छह से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा, छह के बराबर और बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा। ओके आगे क्वेश्चन समझ में, कुछ नहीं करने का है, जितना जगह स्क्वायर रूट है हर जगह बारी बारी से कंडीशन, ये दो जगह आप देखो, ये प्लस होगा माइनस होगा डिविन मेथड, ये सेम आंसर, यहां अगर हम क्या कर दे, प्लस भी कर दे तो सेम आंसर आएगा, इससे कोई फर्क, क्योंकि हम इस पर कंडीशन लगा रहे हैं और हम इस पर कंडीशन लगा रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है उससे कोई मतलब नहीं है। कितने लोग को ये समझ में आ गया, आ गया ना, एक क्वेश्चन और करें। चलो ये जिससे नहीं बना आप लोग, है ना, सारे लोग से तो बन ही गया होगा, आपसे बना थोड़ा बन रहा है, बना ही नहीं बना, थोड़ा बहुत बना या थोड़ा बहुत नहीं बना, ये गलत हो गया, समझ में आया जो बताए हम। चलो इसको मिटा दे, तुम लोग से क्यों नहीं बन रहा है भैया, तुमसे भी नहीं बना, तो छाप रही है तुम, ओ क्वेश्चन लिखे कहा है अभी, नंबर एक नंबर तुम डफर हो। एफ ऑफ एक्स दे दे या बाई दे दे, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, या ऐसे दे दे बाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर, डोमेन निकालो, सोचने की जरूरत ही नहीं है, केवल कितना परसेंट लगेगा, बस 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 बस, कहानी खत्म। एक्स बराबर माइनस थ्री कैसे लिख दी तुमने, बस इसमें तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, केवल कंडीशन किस पर रहेगा,
केवल इस पर कंडीशन लगेगा, x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बता दो x बिलोंग्स टू कहां लिखा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा x बिलोंग्स टू। हमें इंटरसेक्शन करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब x से ज्यादा है x का वैल्यू, तो हम इंटरसेक्शन से उसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। अब एक ही x का वैल्यू मिला तो यही मेरा फाइनल डोमेन होगा। अब क्वेश्चन ऐसा दे दे, सपोज बन गया होगा सबसे, क्वेश्चन ऐसा दे दे, सपोज f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। बस कंडीशन केवल किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, यानी तीन कंडीशन लगेगा, एक कंडीशन इस पर और दो कंडीशन इस पर, टोटल तीन। इसके लिए कोई कंडीशन लगेगा, ये तो ऑलवेज डिफाइन है ना, ये तो अनडिफाइन नहीं हो सकता ना। कितना कंडीशन लगेगा, तीन। दो से इन्फिनिटी के बीच, यानी दो पर ओपन इंटरवल आ गया क्या, सबका आया, आप लोग बना रहे हो पीछे, बन रहे क्वेश्चन, ये बन गया, कितना आया, आपसे पूछ रहे हैं कितना है। हाँ अरे उधर दो से इन्फिनिटी, हाँ तुमसे कितना, रविकांत कितना आया, रवि तुम्हारा नाम है कि रविकांत, रवि, रविकांत कहाँ गया, बन रहा है तुम लोग से, तुमसे बना जी, रवि से आगे वाला लड़का, तुम लोग से बना ये बेंच, सक्षम बन रहा है तुमसे, अभी भी नहीं समझ में आया, कल नहीं आया था, चलो कोई बात। और लक्ष्मी लोग से बना कि नहीं, लक्ष्मी जी लोग से बन रहा है, चलो। हाँ तो लक्ष्मी जो है ना, क्या तो चलो बनाते हैं इसको, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। हाँ सोचना क्या होता, जब इसका इस पर अंडर रूट लगता तो सोचते, लेकिन इस पर कोई अंडर रूट नहीं है, दैट मीन्स ये तो ऑलवेज डिफाइन है, तो इसके लिए तो हमें कोई कंडीशन, तो जो कंडीशन लगेगा इसके लिए लगेगा और इसके लिए लगेगा, इसके लिए दो कंडीशन और इसके लिए एक कंडीशन, टोटल तीनों का इंटरसेक्शन कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो तो चलो पहले हम न्यूमरेटर वाला इसका इसका कंडीशन लगा रहे हैं, तो इस पर तो एक ही कंडीशन लगेगा, x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x बराबर क्या, माइनस तीन से लेकर इंफिनिटी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसके लिए, तो इसके लिए पहले वर्गमूल वाला कंडीशन लगा लो, तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और इक्वलिटी उलट जाएगा, तो x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू टू, दैट इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, दो और दो से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से टू पर इसको इक्वेशन टू कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस से क्यों गुणा किए? क्योंकि इसको हम पॉजिटिव बना दिए और इसको निगेटिव बना दिए, तो ये पॉजिटिव मिल गया और ये निगेटिव इधर आकर पॉजिटिव बन गया। लेकिन इक्वलिटीज बताए थे, इक्वलिटीज का कॉन्सेप्ट कि जब भी माइनस से गुणा करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं तो इनइक्वलिटीज का साइन ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया। चलो, और इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में तो ये पूरा है ना, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, तो अंडर रूट टू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो है ना, तो बताओ एक्स इज नॉट इक्वल टू कितना मिला, दो। इसको इक्वेशन क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर कहां से कहां, माइनस इनफिनिटी से टू पर ओपन यूनियन। अरे इसका मतलब ये ना कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, दो को छोड़कर बाकी एक्स का सारा रियल सारा वैल्यू, तो माइनस इनफिनिटी से टू, टू पर ओपन यूनियन टू से इन्फिनिटी, और यहाँ भी टू पर ओपन, जिससे क्या है यहाँ भी टू शामिल नहीं है और यहाँ भी टू शामिल नहीं है, तो टू तो छापना ही था, बाकी सारा रियल नंबर हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड। और कोई कंडीशन लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्या कर ले, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड। चलो रियल नंबर पर कितना क्रिटिकल पॉइंट मिला है, देखो एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस थ्री है, एक क्रिटिकल पॉइंट टू है, बस यही ना, तो माइनस थ्री और टू। चलो पहला इक्वेशन क्या बोला, पहला इक्वेशन माइनस तीन से लेकर इन्फिनाइट, माइनस तीन से लेकर इन्फिनाइट। दूसरा इनइक्वलिटीज क्या बोला, दूसरा इनइक्वलिटीज बोला दो से माइनस इन्फिनिटी, इधर हाँ ना, तीन है तो हमको तीनों में कॉमन देखना है, दो में कॉमन नहीं है, दो में तो इतना ही कॉमन हो गया, लेकिन हमें तो तीनों में कॉमन देखना है ना, तीन तीन इक्वेशन है तो तीनों में तो कॉमन देखना है, तो ये कॉमन एरिया भी किसके किसके बीच हुआ है, दो के बीच, तो क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं अभी तीसरा भी तो लेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, दो से इधर मतलब थोड़ा सा इधर से इधर और दो से इधर, तो देखो इतना एरिया कॉमन हो गया तीनों में, और कितना एरिया कॉमन हुआ, नहीं आया समझ में, आप लोग क्या आंसर लिखो, यानी इंटरसेक्शन करने नहीं आ रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस तीन पर क्लोज और टू पर ओपन। अब कहां गलती की है तुम लोग ये बताओ, कहां गलती की है ये बताओ, सबका छह से इन्फिनिटिव कैसे आया आंसर, दो से इन्फिनिटिव कैसे आया आंसर, दो से इन्फिनिटिव कहां गलती की है, तो कहां गलती की, नहीं 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 आता है, तो बिगड़ कैसे हो गया, दो ही में कॉमन ले ली क्या तुम, अरे किसी का आया इतना आंसर, तो बिगड़ कहां गलती है, तुम लोग सारा का सारा लोग तुम एक्चुअली तुम एक बार ट्वेल्थ कर चुके हो ना, इसलिए ऐसा है, अगर फ्रेश माल रहते तो है ना, आपका ऐसे दो आंसर नहीं आता, बासी हो गए हो, क्या हो तो और क्या, बासी हो गया, ट्वेल्थ करके आया है तो बासी ही तो है, तुम लोग अभी ताजा ताजी हो, तुमको तुम्हारा एक आंसर आया है, कहां गलती हुआ, लक्ष्मियों है छापो छापो, इंटरसेक्शन लेने में सब गलती कर दिया,
दो ही में तुम लोग कॉमन समझ गए लगता है। कभी तो एक क्वेश्चन तीन वाला कंडीशन वाला करवाए थे हम, नहीं ऐसे करता भाई। इनइक्विटी इक्वेशन नहीं है कि माइनस से माइनस काट दोगे, जब भी करना होगा तुम माइनस से प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन लो, नहीं तो माइनस से गुणा करो, और जब माइनस से गुणा करोगे या कॉमन लेगो तो इनइक्विटी चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, कहीं आप लोग ऐसा करते हो तो ये गलत बात है। ये बोल रहा था 2 - x ऐसे किया ना, इसको ऐसे उड़ा दिया, ठीक ठीक है देखो, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे ना, तो इसका मतलब निकालो, तो निकालो मतलब, क्या करे। अच्छा ये से ओ बात ओहो, इनइक्विटी में नहीं होता, इक्वेशन में ऐसा होता है। अगर ये ऐसा होता ना, ये अगर ऐसा होता तो हो जाता, ये अगर ऐसा होता तो हो जाता माइनस एक्स माइनस टू, ये कम वैलिड होता है इक्वेशन में, इनइक्वालिटीज में नहीं। हर हालत में तुमको माइनस से गुणा करना पड़ेगा या फिर माइनस कॉमन, तो अगर दोनों में से कोई भी एक काम करते हो तो इनइक्वालिटीज का साइन। अच्छा इतना एक सेकेंड, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, देखो जब भी दिमाग काम ना करे ना तो ऐसे सोचो, देखो यहीं पे आगे फंसे होंगे, देखो देखो हम कैसे कर, देखो 2 - x यही था ना, यहाँ पे बुद्धि आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करो, इसको इधर लेके चले जाओ, किसको इसको, तो ये हो गया 2 इधर बच गया और इधर -x इधर आकर, देखो ना ये क्या बोल रहा है, ये यही तो है कि x का मान 2 और 2 से छोटा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब ये ही बोल रहा है कि x का मान 2 और 2 से छोटा, तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू, देखो तो वही चीज तो आया, नहीं समझे, तो सेम रिजल्ट तो दिया, हम माइनस से गुणा कर भी दिए तो सेम रिजल्ट मिला ना। हाँ कर दो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल को इधर कर दो, तो वेरिएबल को इधर कर दिए तो क्या आ गया ये, तो इसका मतलब क्या समझते हो बताओ, इसका मतलब कोई क्या समझता है, x का मान 2 और 2 से छोटा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x का मान 2 और 2 से छोटा, तो देखो तो सेम रिजल्ट मिला, तो चाहे आप या इसको माइनस से गुणा करके ऐसे कर लो, तो माइनस से गुणा कर दिए तो इनइक्वालिटी क्या हो गया चेंज, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये प्लस हो ही गया, इसको इधर ले लो और इसको इधर कर दो और इनइक्वालिटी चेंज हो गया, उलट गया, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, कर सकते हो, दोनों दोनों तरीके से आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। लेकिन ऐसे मत कर देना इनइक्वालिटीज में कि माइनस इधर और माइनस उधर काट दिए, ऐसे नहीं करता है ना, ऐसे नहीं करता है, वो इक्वेशन में करता है। बताए तो कि जब पूरा फंक्शन आप पढ़ लोगे ना तो साथ साथ में आपका क्या खत्म हो जाएगा इनइक्वालिटीज, फिर अलग से पढ़ने की जरूरत इनइक्वालिटीज नहीं है। हो गया ये, सारा लोग का यही गलती हुआ था, इतना क्वेश्चन करवाए फिर भी गलती हो रहा है, ये माइनस अभी तक नहीं आया था, अरे आया था यार एक क्वेश्चन, क्या क्या बोल रहा है रुबांशु, रुबांशु तुम्हारा नाम है कि उसका नाम, तुम्हारा दीपांशु, कंफ्यूज रहते हैं। हो गया, रेंज स्टार्ट करें इसका, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जाता है, और ये भी हम जो बता दिए ये आपके बुक से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिए, आपके सिलेबस में इतना ज्यादा पढ़ने का इसके अंदर नहीं है। 3 कंडीशन वाला तो दिया ही नहीं आपके केसी सिन्हा बुक में एक भी क्वेश्चन 3 कंडीशन वाला, चलो मिटा दें इसको।
ऐसा क्वेश्चन एक दे देते हैं ताकि आपका है ना कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। क्वेश्चन नंबर बनो, देखो तो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहेगा ना कि सेम थोड़े तो क्वेश्चन दे देंगे। देखो हमको बच्चा लोग को फुसलाने और बहलाने का शौक नहीं है, पढ़ाओ तो ठीक से पढ़ाओ। दूसरी बात तो भाई ऐसे क्वेश्चन देने में जानबूझकर कि भाई तुमसे ही बन रहा है खुश से खुश हो रहे हो, टेस्ट में इतना इतना आसान क्वेश्चन दे देंगे कि 100 बटा 100 में हो सकता है 105 नंबर ले आओ टेस्ट में, आप भी खुश और आपके पेरेंट्स भी खुश, मेरा बच्चा तो टेस्ट में 100 में 105 नंबर लाता है। कितना कंडीशन लगेगा? 4 टाइम लगेगा, ये तो एक ही है ना, तो एक ही इस पर तो एक ही कंडीशन लगेगा ना, 4 क्यों लगेगा? अलग अलग ले लिए क्या? अलग अलग लोगे तो 4 बार इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, मतलब 4 के बीच काय के लिए लफड़ा फंसे। नहीं आया समझ में, ये एक वर्गमूल के अंदर है ना, तो इतना बराबर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट इससे मिलेगा, रियल नंबर लाइन पर ले जाएंगे उसको, साइन कन्वेंशन लगाएंगे। अरे यार पढ़ते जाओ और भूलते जाओ। एकदम लोल हो गई है, लोल एलो एल लोल बक लोल टेकन। लगा नहीं मान दो तू सबसे ने, सर आप तो बेईमानी कर लेते हैं, बोले तो सेम क्वेश्चन देंगे। सबको भगवान अपना सेपरेट बुद्धि देकर भेजे हैं, तो कृपया अपना अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें और क्वेश्चन को बनाएं, ज्वाइंट खाता मत चलाओ यहाँ। आज केमिस्ट्री पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, कल इसी को आधा घंटा और पढ़ा देंगे ना 5:30 बजे तक, नहीं केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो वही तो बोले हम कि 5:30 बजे तक इसको पढ़ा के छुट्टी आज दे देते हैं, उसके बाद कल तो पूरा छुट्टी रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। माइनस दो पर क्लोज, 4 पर ओपन, देखते हैं चलो बना के क्या आता है। बहुत लेट करते हो यार, बहुत लेट बनाते हो तुम लोग।
जिससे बन गया वो मिला लेगा और जिससे नहीं बना वो छाप लेगा बाद में। चलो देखो, ऊपर के लिए पूरा कंडीशन लगेगा, तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू, मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ऊपर के लिए हमने पूरा कंडीशन लगा दिया। अरे लगाया नहीं लगाया, चलो ये हुआ। अब देखो ऐसा वाला चीज तो बहुत की है ना, याद करना, अगर इसके जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता सपोज कुछ देर के लिए, तो सपोज इसके जगह पर ऐसा दिया रहता एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और डिवाइडेड बाय फोर माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन होता, तो आप क्या करते, सुनना, फिर इसको क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस करते या नहीं करते, इसका फैक्टर तोड़ते नहीं तोड़ते, तोड़ने के बाद यही तो मिलता, तो ये पका पकाया दे चुका है, ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और तो यही चीज तो मिलता या नहीं मिलता, तो ये डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट दे दिया फैक्टर में, ये फैक्टर किसका रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहा होगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स और प्लस सिक्स, देखो तो सेम क्वेश्चन है, और तो आप ऐसे करते हैं ना, दो फैक्टर में ऐसे टूटता ना या नहीं टूटता, वही चीज तो आया, तो एक स्टेप पहले ही स्लो कर दिया, कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट फैक्टर तोड़ के दिया है, समझते हो बात को। चलो तो एक बार इसको किसके इक्वल करेंगे, तो यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, एक बार एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, माइनस थ्री, कहां ले जाएंगे इसको, रियल नंबर लाइन पर, माइनस थ्री और माइनस टू। चलो तो हमें पॉजिटिव बनाना है, पहला नंबर तो ये, तो माइनस दो से बड़ा कोई वैल्यू सोचो, माइनस दो से बड़ा वैल्यू माइनस एक, चलो माइनस एक, तो एक्स बराबर माइनस एक प्लस दो पॉजिटिव, माइनस एक प्लस तीन पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव आया, तो ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव कहां से कहा, तो यहां से x ब्लॉक्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस तीन पर क्लोज, क्लोज है ना, अरे है कि नहीं है, यूनियन माइनस टू से। अब ये इक्वेशन क्या डालो इसको, फर्स्ट कितने लोग को समझ में आया, कितना लोग कर लिए थे, इतना काहे नहीं किए भाई, बता ये सब सारा चीज पढ़ाया हुआ है या नहीं है। अब तुम सोचो कि अगर तुमको इसके निगाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में देते तो बना सकते थे कि नहीं, तो वही चीज ना आता है यार, अभी तो उसको करके दिखाए कि हम इसके निगाह पे ये दे देते एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसी को तो तोड़ कर लिखा गया है वो, तो आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते, वहां से फैक्टर तोड़ते, दो फैक्टर आता यही दोनों, और उसके बाद बारी बारी से जीरो के इक्वल करते, दो क्रिटिकल पॉइंट मिलता, नंबर लाइन पे ले जाते, साइन कन्वेंशन लगाते, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस दो से लेकर इन्फिनिटिव तक इधर पॉजिटिव आ गया, यूनियन माइनस तीन से लेकर इधर पॉजिटिव आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट, पहला कंडीशन कंप्लीट। अरे अब किसके लिए कंडीशन, तो एक कंडीशन ये, अब देखो यहां भी वही चीज बता रहे हैं, देखो फिर से आ गया, कोई बुद्धि ज्यादा लगाकर ये मत कर देना सर, गलत है, क्या है सही तरीका, क्या है सही तरीका, देखो क्या है, या तो चुपचाप माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर और ये और इक्वलिटीज क्या हो जाएगा चेंज, जीरो को माइनस से गुणा करेंगे कोई फर्क, और यहाँ इक्वलिटीज क्या हो गया, उलट गया, अब एक्स इधर ही रहने दो और ये इधर आ गया, तो क्या हो गया फोर, तो बताओ एक्स बराबर कहां से कहां, छोटा है ना, तो माइनस इन्फिनिटिव से फोर, कितने लोग को समझ में आया, अरे आया नहीं आया, आया, अभी भी एक कंडीशन बाकी है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट फोर माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू, वर्गमूल करें वर्ग करेंगे दोनों तरफ, अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर का मतलब
माइनस इन्फिनिटिव से 4 यूनियन इक्वेशन। चलो फ्रॉम फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड, तो चलो रियल नंबर लाइन पे ले चलो इसको। कितना क्रिटिकल पॉइंट आया देखो, दो क्रिटिकल पॉइंट तो इसके अंदर है माइनस दो और माइनस तीन, और एक क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर है चार, तो हो गया माइनस तीन इधर, फिर माइनस दो और चार। चलो पहला इक्वेशन क्या बोला, तोड़ कर देखो, माइनस तीन से इधर, माइनस तीन से इधर लेफ्ट साइड, तो माइनस तीन से लेफ्ट साइड, ओके लेफ्ट साइड क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड होता है। फिर ये क्या बोल रहा है, माइनस दो से राइट साइड, माइनस दो से राइट साइड, तो माइनस दो से राइट साइड, इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पे आओ, चार से लेफ्ट साइड, चार से लेफ्ट साइड, ध्यान से देखना, चार से लेफ्ट साइड, अभी दो ही के बीच हुआ है। तीसरा, चार से लेफ्ट साइड, चार चार पर ऊपर है, दैट मीन्स थोड़ा सा पहले इधर, और चार से राइट साइड, तो चार से इधर होगा, आया ना बात समझ आ रहा है। अब तीनों के बीच कॉमन कितना है, देखो इतना पार्ट इधर कॉमन है, फिर बीच में कुछ है ही नहीं, फिर कितना कॉमन है, इतना नहीं आया समझ में, कितने लोग को समझ में आ गया, अरे आया नहीं यार, क्या इधर कॉमन है तीनों में, नहीं नहीं इधर तो दो ही में कॉमन है, हमें तो तीनों में देखना है, तो तीनों में कॉमन एरिया किधर है देखना, इधर पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, तो देखो इतना तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं है ना, दो देखो इतना दो में था, ये वाला और ये वाला, ब्लू वाला और ब्लैक वाले में इतना था शामिल, बट पहला वाला में इतना शामिल, दैट मीन्स तीनों में ये वाला एरिया कॉमन, तो तीनों में एरिया कॉमन कौन है, इतना इधर मतलब इधर से लेकर इतना और कहां तक, इतना तक, तो इसका डोमेन कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से, देखो तीन पर क्लोज होगा, तीन पर क्या होगा मतलब माइनस तीन पर क्लोज, फिर यूनियन माइनस दो, माइनस दो पर क्लोज, और चार पर क्या होगा ओपन। कितना लोग का आंसर आया, एक का भी सही नहीं गया, क्या गलती की इंटरसेक्शन लेने में, हमको कितना मिनट लगा बनाने में, दो मिनट, कोई समझाना पड़ रहा है तो दो से तीन मिनट, और आप लोग को दस मिनट दिए तो भी नहीं बना। चलो यार छापो, तुम लोग है ना मजा फिर गिरा कर देते हो। इतना अच्छा टेक्निक बताया इंटरसेक्शन लेने का, आ रहा है तुमको संघर्ष समझ में, तो बना क्यों नहीं, क्यों नहीं बना, ये कहीं नहीं बन लो, करे दिखाओ अभी इन सर्वा ले देने बाबा बन रहे, अरे तीनों तीन इक्वेशन मिला, तीनों के बीच कॉमन एरिया देखेंगे, तो तीनों के बीच कॉमन एरिया तो इतना ही मिला ना, अब इसमें भी क्या है, ये वाला कॉमन एरिया नहीं है, अरे इसमें भी क्या ये वाला कॉमन एरिया नहीं है, क्यों नहीं है, दो के बीच तो ये वाला एरिया है लेकिन इनके बीच ये वाला एरिया, तो फाइनल तीनों के बीच कॉमन एरिया कितना हुआ, इधर से इतना इधर, फिर बीच में छूट गया, और फिर इधर से लेकर कहां तक, इधर तक, तो माइनस तीन से माइनस इन्फिनिटी यूनियन, फिर कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस दो से, और कहां तक गया, चार से पहले, तो चार से पहले, चार से पहले मतलब चार पर ओपन,
किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? अब 2 मिनट दम धर लेते हैं, उसके बाद रेंज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? चलो बना इसका 2 मिनट निकालो, करो टाइम पास करो। इस बार बनना चाहिए है ना, ये तो सत्य का प्रयोग करेंगे। तो तुम अपना मना उसका कभी क्या लेते हो? कितना कंडीशन लगेगा पहले ये तो बता दो, कितना कंडीशन लगेगा? एक लगेगा यार बस। लेकिन ध्यान रखना इस पर 3-3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तीनों को नंबर लाइन पे ले जाएंगे। चलो इधर देखो, ये लगाकर दसवां बार बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन करने का जरूरत नौबत कब पड़ता है? जब एक से ज्यादा इक्वेशन हो, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन लग रहा हो। यहाँ कितना कंडीशन लगेगा? मात्र एक कंडीशन लगेगा, ये कुल मिलाकर एक ही तो है। क्या ग्रेटर इक्वल टू कितना कंडीशन लगेगा? एक ही। और इसको फ्रैक्चर में तोड़ो तो देखो बाबू साहब क्या किया है अनुराग, देखो कैसे तोड़ा है। देखो कैसे तोड़ा है, क्या ये सही तोड़ा हुआ है? अरे ये क्या सही टूटा है? हाँ ये तोड़ा है, मतलब अनुराग तोड़ा है। ठीक है ये तो घटा कर आ गया 5, गुणा करके 6 से 12 आना चाहिए, तो कितना आएगा?
माइनस छह एक्स स्क्वायर, जबकि आना कितना चाहिए, तो कैसे टूटेगा? अरे आए ना, तो x को मान लेंगे तो x प्लस थ्री, और यहाँ प्लस टू को मान लेंगे तो x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री इंटू x प्लस, तो देखो तो x प्लस टू और x प्लस थ्री, और इधर x प्लस, ठीक है। बारी बारी से तीनों फैक्टर को जीरो के इक्वल करो, तीन क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। नंबर लाइन पे ले जाएंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो से बड़ा वैल्यू सोचो, माइनस एक, माइनस एक को रखो यहाँ, देखो माइनस एक तो पॉजिटिव देगा, माइनस एक पॉजिटिव देगा, माइनस एक तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, हमें बनाना क्या है, पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, एक तो इधर से इधर पॉजिटिव है, फिर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, बस दो ही जगह पॉजिटिव है ना, और तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस फोर से माइनस थ्री क्लोज यूनियन माइनस टू से, कितने लोग का आ गया है।